गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 16। ओके, तो हम लोग जो टॉपिक कवर कर दैट इज गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के अंडर में हम लोग यूजिंग गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना सीख रहे थे। हम लोग सीख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना डिफरेंट डिफरेंट केसेस में। कुछ केसेस ऑलरेडी हो चुके थे, एक दो केसेस बाकी थे, वो आज हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट केस होता है पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। ये दोनों लास्ट क्लास में डिराइव हो चुका था। थर्ड होता है इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये डिराइव करना अभी बाकी है, ये आज करेंगे हम लोग। फोर्थ होता है चार्ज स्फेरिकल शेल और आउटसाइड एंड इनसाइड पॉइंट। स्फेरिकल शेल को हॉलोस्फीयर भी कह सकते हैं, ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। लास्ट क्लास के एंडिंग में हम लोगों ने आउटसाइड पॉइंट के लिए बस डिस्कस किया था। ओके, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, उसको हमने डिस्कस कर लिया था बट उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। इनसाइड पॉइंट वाला पार्ट रिकॉर्ड हुआ था। देन चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण आउटसाइड एंड इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, वो आज ही क्लास में होगा, वो बाकी है अभी। ठीक है, तो ये डिफरेंट केसेस हैं। और जनरली क्या होता है स्कूल एग्जाम्स में या बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं। ये जो पांच है इनमें से कोई एक डेरिवेशन आता है एग्जाम में हर साल। और साथ में क्या होता है, क्वेश्चन के दो तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछते हैं तुमसे कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और साथ में एक डेरिवेशन, और अदरवाइज क्या हो सकता है क्वेश्चन, स्टेट गॉस लॉ। गॉस लॉ को स्टेट करो एंड यूजिंग गॉस लॉ कोई एक डेरिवेशन आ जाता है। और कभी कभी क्या आता है कि एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जाम्पल हम लोगों ने किया था। एग्जाम्पल नंबर वन फर्स्ट चैप्टर का 10th एग्जाम्पल था, 1.10 ऐसे नंबरिंग दिया हुआ है उसको, तो वो एग्जाम्पल कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो ये जनरली ऐसे क्वेश्चन सेट होते हैं स्कूल एग्जाम्स में एंड बोर्ड एग्जाम्स में। आओ देखते हैं डेरिवेशंस। डेरिवेशंस देखने के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा गॉसियन सरफेस हर एक केस के लिए यूज किया जाता है। प्रिफर्ड गॉसियन सरफेस कैसा होता है, सिमेट्री के हिसाब से चूज करते हैं हम लोग। तो पॉइंट चार्ज का गॉसियन सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज कैसा होता है, सिलेंड्रिकल यूज करते हैं इसके लिए भी। हॉलोस्फीयर या सॉलिड स्फीयर अगर यूज करते हैं उसका निकालना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं स्फेरिकल गॉशियन सरफेस, स्फेरिकल गॉशियन सरफेस। और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है जनरली गॉशियन सरफेस ऐसा रखते हैं जो कि उस पॉइंट से पास करता रहता है, फिर वहां पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है। यूजिंग गॉस लॉ कैलकुलेट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है चार्ज स्फेरिकल शेल, ये लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है, बस को रिवाइज करते हुए आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सिमेट्री कैसा होता है स्फेरिकल शेल में, इस टाइप का सिमेट्री होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्फेरिकल सिमेट्री शो करता है, स्फीयर की तरह एक सिमेट्री शो करता है। सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ रहा होता है, उसको बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। सरफेस हम लोग पिक करेंगे गॉसियन सरफेस, एक स्फेयर पिक कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये जब पूरा डिराइव हो जाता है उसके बाद हम लोग ग्राफ ऑफ फील्ड प्लॉट करते हैं विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये करना बाकी था लास्ट क्लास में। एक बार थोड़ा डेरिवेशन देख लेते हैं पहले शॉर्ट में, उसके बाद फिर ये वाला ग्राफ भी देख लेते हैं कि ग्राफ कैसा बनता है। आओ स्टार्ट करते हैं विद डेरिवेशन। तुम लोगों को याद होगा, तुम लोग पैरेलली करते जाना। दो केसेस बनते हैं, तीन केसेस एक्चुअली बन जाते हैं। एक होता है इनसाइड पॉइंट, एक आउटसाइड पॉइंट, और एक एग्जैक्टली सरफेस पे क्या होगा। ठीक है, तो मैं हॉलो स्फीयर ड्रॉ करता हूँ। एक हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर का पार्ट पूरा वैक्यूम है, सिर्फ जो मैंने स्फीयर ड्रॉ किया यहाँ पे सिर्फ मटेरियल होगा, एक प्लास्टिक बॉल टाइप का समझ लो कि जो बॉल का सरफेस है वो स्फीयर है, वो कोई कंडक्टिंग बॉडी होगा, उसके अंदर पूरा एयर या वैक्यूम है, हॉलो है ये, अंदर से हॉलो है। ठीक है, तो अब क्या है, इस पे चार्ज है, स्फीयर पे चार्ज है। स्फीयर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बल्क में नहीं है, वॉल्यूम में नहीं है, सिर्फ सरफेस पे। ठीक है, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो तुमको चार्ज दे देंगे, या तो तुमको या तो चार्ज की वैल्यू गिवन होगी या फिर सिग्मा दिया हुआ होगा। दोनों केसेस को देख लेते हैं। मान लो कि अगर चार्ज गिवन है तुम्हारे पास, चार्ज गिवन है, रेडियस गिवन है, क्यू गिवन है और रेडियस गिवन है, क्यू एंड रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है। अब तुमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। ये कैलकुलेट करना है, मान लो एट अ डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब तीन केसेस बनेंगे, एक इनसाइड पॉइंट, एक आउटसाइड पॉइंट, एक ऑन द सरफेस। अगर इनसाइड पॉइंट है तो क्या रिलेशन होगा स्मॉल आर और कैपिटल आर के अंदर? इनसाइड पॉइंट है तो सेंटर से जो उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा जहां पर निकालना होता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर इनसाइड पॉइंट है, ये सेंटर है मान लो, यहाँ पर अगर फाइंड करना है, इस पॉइंट पी को फाइंड करना है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? रेडियस से छोटा होगा या रेडियस से बड़ा होगा, क्या लगता है? ये जो डिस्टेंस होगा स्मॉल आर, वो रेडियस से क्या होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। स्मॉल आर शुड बी लेस देन कैपिटल आर, तो उसको बोलेंगे इनसाइड। ये फर्स्ट केस है। दूसरा केस आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा? अगर कोई बाहर का पॉइंट पिक कर ले और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे, आउटसाइड पॉइंट पे क्या हो जाएगा रिलेशन? काफी इजी है गेस करना, वहां पर क्या हो जाएगा कि स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा। और थर्ड केस ऑन द सरफेस, थर्ड केस इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। एग्जैक्टली अगर स्फीयर का सरफेस पे चाहिए, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ऐसे केस में स्मॉल आर शुड बी इक्वल टू कैपिटल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो वो एग्जैक्टली सरफेस पे आ जाए। ये तीन केसेस हैं डेरिवेशन के, तीनों केसेस में सेपरेटली हम लोग डिराइव करेंगे। ये कॉपी कर लो फटाफट, वीडियो पॉज करके तुम लोग कॉपी कर सकते हो, ये रिकॉर्डेड मोड में जा रहा है लेक्चर, तो ये तुम लोग इजीली वीडियो पॉज करके इसको कर सकते हो कॉपी, ठीक है। तो मैं इसको बारी बारी से सॉल्व करता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट केसेस। मान लो फर्स्ट केस सॉल्व कर लो, फर्स्ट केस के लिए यही डायग्राम वर्क कर जाएगा। इनसाइड पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो जो भी स्मॉल आर रखा है हम लोगों ने वहां पर उस पॉइंट से पास होता है, एक गॉशियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो गॉशियन सरफेस होगा स्फीयर की दिशा, ये रेड वाला जो है ये गॉशियन सरफेस होगा। कंस्ट्रक्ट क्या क्या हमने, वी कंस्ट्रक्ट अ गॉशियन सरफेस। किस टाइप का गॉशियन सरफेस? वी कंस्ट्रक्ट, लिख सकते हैं स्फेरिकल गॉशियन सरफेस। वी कंस्ट्रक्ट अ स्फेरिकल गॉशियन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट पी। वी कंस्ट्रक्ट अ स्फेरिकल गॉशियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, लिख सकते हैं आप स्फेरिकल गॉशियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर पासिंग थ्रू पी, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट के थ्रू पास करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जब एग्जाम में सॉल्व करते हो क्वेश्चन को, जब डेरिवेशन करते हो, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करके अगर तुम अपना स्टेप्स करना शुरू कर दोगे तो मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं, तुम्हें कुछ ना कुछ चीज़ें लैंग्वेज में लिखनी पड़ती है। अगर लैंग्वेज में कुछ भी नहीं लिखोगे तो फिर मार्क्स पूरे नहीं मिलते, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो कुछ स्टेटमेंट जरूर लिख देना साथ में, एक दो स्टेटमेंट सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके बाद फिर सॉल्व कर सकते हो आगे। इसके बाद लिख सकते हैं हम लोग यूजिंग गॉस लॉ। ये गॉसियन सरफेस डिफाइन हो गया, तो यूजिंग गॉस लॉ क्या हो जाएगा? गॉस लॉ हमें क्या बताता है? यूजिंग गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होता है गॉस लॉ। फाई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू
क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सर्कल दिखाता है क्लोज सरफेस को, पूरे तरीके से हम लोग उस पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पूरे क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सर्कल ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब मैं ये पॉइंट को इरेज कर रहा हूँ, बट इसी केस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आओ जरा देखते हैं, यहाँ पे क्यू एनक्लोज कितना हो गया, कितना चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज, क्यू एनक्लोज कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, क्यू एनक्लोज इज इक्वल टू, क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज है, कोई मटेरियल है इसके अंदर? ये हॉलो है, मतलब इसके अंदर वैक्यूम है, इसके पास कोई भी मटेरियल नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। क्यू एनक्लोज शुड बी जीरो, क्यू एनक्लोज शुड बी जीरो। जो फाई है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, वो हो जाएगा इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्यू एनक्लोज वाज जीरो। सिंस क्यू एनक्लोज इज जीरो, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर और डी एस वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ से ई वेक्टर को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा रुक जरूर, वेक्टर मैंने लिखते हैं इसको, मान लो ई डी एस कॉस 0 डिग्री पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री, दैट इज इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक स्फेरिकल सर्फेस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है स्फेरिकल सर्फेस के लिए, यहाँ पे स्फेरिकल सर्फेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और जो एरिया वेक्टर है गॉसियन सरफेस का, एरिया वेक्टर गॉसियन सरफेस का, वो कैसा होगा, स्फीयर का जो नॉर्मल बनेगा वो भी रेडियली आउटवर्ड होता है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दोनों रेडियली आउटवर्ड, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दोनों का एंगल हो जाएगा एग्जैक्टली 0 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल बन जाएगा 0 डिग्री, सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे सारे के सारे। नॉर्मल्स जो है वो रेडियली आउटवर्ड पिक करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड है, तो उनके बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ठीक है, ये ऐसा क्यों है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर निकाल पाए हैं उसको। अच्छा अभी निकाला नहीं है तो ऐसा कर सकते, रुको, निकालने वाला स्टेप अगले स्टेप में कर सकते हैं, लिख सकते हैं सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर बोथ अलोंग द रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल, आर बोथ अलोंग द रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल, रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल जो है उसके अलोंग है, नॉर्मल दो होते हैं, एक रेडियली आउटवर्ड होगा एक रेडियली इनवर्ड होगा, तो ये आउटवर्ड के अलोंग है, रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल। मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ में आ चुका है, और बोथ अलोंग द रेडियली आउटवर्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह थोड़ा कम है, कुछ पोर्शंस में बोर्ड में पेन नहीं चल पाता, तो उसी कारण ये आ गया प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जो दो वेक्टर्स हैं आर बोथ अलोंग द, आर बोथ अलोंग रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल लिखा हुआ है, आर बोथ अलोंग रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ पे जब लिखा जाएगा तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ये इंटीग्रेशन का साइन मेंटेन रहेगा, यहाँ भी इंटीग्रेशन रहेगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को नहीं भूलना। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देंगे, कॉस 0 1 होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू 0, और ये इंटीग्रेशन एक्चुअली क्लोज सरफेस के अलॉन्ग होता है, पूरे क्लोज सरफेस के अलॉन्ग होता है। ठीक है, ये स्टेप कैसे किया हम लोगों ने, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू, तो इसलिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है, तो जो स्मॉल आर डिस्टेंस पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्फेरिकल सर्फेस, बाई सिमेट्री है, इट इज बाई सिमेट्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बाई सिमेट्री, गॉसियन सर्फेस पे सिमेट्री से हम लोग बेनिफिट लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म रखकर इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, तो इससे हमें एडवांटेज होता है। ठीक है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बाई सिमेट्री, बाई सिमेट्री, ई बाहर निकल चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस है, जब एरिया का पूरा इंटीग्रेशन होगा उस क्लोज सरफेस पे, तो स्फीयर का छोटे वाले स्फीयर जो गॉसियन सरफेस है उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो पूरे एरिया का इंटीग्रेशन होगा, तो क्या निकलेगा एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कितना आ जाएगा,
बहुत ही सिंपल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना जाएगा, ये पहले पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ, जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट हमने लिखा था उसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या हो जाएगा पता है, स्फेरिक सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो हो जाएगा 4 पाई, स्मॉल आर या कैपिटल आर कौन सा होगा? अभी जो हम लोग एरिया जो इंटीग्रेट करते हैं वो गॉसियन सरफेस का एरिया इंटीग्रेट करते हैं, गॉसियन सरफेस का, ठीक है, ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r2, दिस शुड बी इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा 0, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, फर्स्ट केस हम लोगों ने सॉल्व किया, अगर इनसाइड पॉइंट पिक करते हैं स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल r, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये फर्स्ट पॉइंट, इसको नोट कर लो अच्छे से, याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट्स पे 0 होता है। अब सेकेंड एंड थर्ड केस सॉल्व करना है हम लोगों को। सेकेंड केस क्या था, सेकेंड केस में था कि आउटसाइड पॉइंट पिक करते हैं, आउटसाइड पॉइंट, जब आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा तो डायग्राम कैसा बनेगा, कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, डायग्राम में सेम स्फीयर तो सेम होगा, स्फीयर में कोई डिफरेंस नहीं है, वही स्फीयर है जो पहले था, वही स्फीयर है जो पहले था, अब उस स्फीयर पे चार्ज ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, चलो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब एक आउटसाइड पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एक आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इस पॉइंट का नाम फिर से पी लिख देते हैं, बस ये आउटसाइड पॉइंट, अगर ये आउटसाइड पॉइंट होगा तो खास बात क्या होगी, जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा इसका स्मॉल आर वो रेडियस से बड़ा होना चाहिए, रेडियस क्या है, रेडियस इज कैपिटल आर, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसी के टर्म्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा कैपिटल आर के टर्म्स में। स्टेप 1, ड्रॉ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पी, ड्रॉ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पी, और वो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल शेप का होना चाहिए क्योंकि स्फेरिकल सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री होने के कारण एक गॉसियन सरफेस स्फीयर शेप का हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पासिंग थ्रू पी, ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस बन गया। अच्छा, अब इसके ऊपर गॉस लॉ लगाएंगे, तो सेम जो स्टेप पहले लिखा था वही लिख देंगे, वी ड्रॉ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर पासिंग थ्रू पी, इसके बाद क्या करना होगा, सेम यूजिंग गॉस लॉ, पहला स्टेटमेंट सेम कॉपी कर लेना जो पहले किया था, उसके बाद यूजिंग गॉस लॉ भी सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर गॉस लॉ में बहुत हद तक ना हमें सिमेट्री समझ में आनी चाहिए, देख करके हमें फील होना चाहिए कि डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन क्या होगा एरिया वेक्टर का, वो समझ में आना जरूरी है, तभी हम लोग गॉस लॉ को प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर और डी एस वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी आता है, डॉट प्रोडक्ट है मतलब स्केलर क्वांटिटी आता है, दिस शुड बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो पहले इंटीग्रेशन किया था लगभग वैसा ही हो जाएगा स्टोरी, ये इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस पे होता है, ठीक है, अब डायरेक्शन का ध्यान रखना है, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ये दोनों रेडियली आउटवर्ड होंगे, ये दोनों रेडियली आउटवर्ड होंगे, कौन कौन से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा और जो एरिया वेक्टर बनेगा वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, रेडियली आउटवर्ड होंगे दोनों के, ठीक है, इसका मतलब क्या निकल के आता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड है दोनों के दोनों, इसका मतलब थीटा कितना हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, एंगल बिटवीन फील्ड एंड एरिया थीटा कितना हो जाएगा, दैट विल बी निकल आएगा, थीटा शुड बी 0 डिग्री। अगले स्टेप में लिख सकते हैं हम लोग फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा यूज कर लेंगे यहाँ पर, ई डी एस कॉस थीटा, इसको फाई से कंफ्यूज मत करना, इंटीग्रेशन का साइन है और उस इंटीग्रेशन पे एक सर्कल बना हुआ, ई डी एस कॉस 0 डिग्री यूज करेंगे, ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, कॉस 0 डिग्री क्यों है, कॉस 0 डिग्री होने का रीजन, सिंस
ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड डीएस वेक्टर आर पैरेलल, बोथ आर अलोंग आउटवर्ड नॉर्मल, आर पैरेलल। मैं सिंपल में ही लिख देता हूँ आर पैरेलल। तुम एक्सप्लेन कर सकते हो लैंग्वेज में, जब बोर्ड्स में अगर लिख रहे हो तो लिख सकते हो कि बोथ आर अलोंग, बोथ आर रेडियली आउटवर्ड, बोथ आर रेडियली आउट इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, बोथ आर इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। इसलिए थीटा जीरो हो गया। थीटा जीरो होने के बाद अगला स्टेप क्या कर सकते हैं हम लोग, ई को बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से। अगले स्टेप में अब तुम्हें याद हो जाना चाहिए कि स्टेप्स कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले तो एरिया वेक्टर और उसके बीच का एंगल देख लिया, वो कॉस 0 डिग्री हो गया। सेकेंड ई को बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन के, अंदर आ जाएगा डीएस, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। दिस शुड बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें दो चीजें देखनी है, क्यू एनक्लोज कितना ये पता करना है और डीएस का इंटीग्रेशन कितना होगा। तो जो गॉसियन सरफेस है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, डीएस का इंटीग्रेशन मतलब गॉसियन सरफेस का पूरा सरफेस एरिया कितना आ रहा है, एरिया कितना आ रहा है जिस सरफेस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। इस पूरे का जो सरफेस एरिया बन रहा है वो बन रहा है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये यूज कर लिया हम लोगों ने, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज जो होता है वो कितना गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है। अब ये गॉसियन सरफेस पूरा स्फीयर को ही अपने अंदर एनक्लोज कर दिया है, जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो चार्ज ऑफ स्फीयर हो जाएगा। चार्ज ऑफ स्फीयर कितना क्वेश्चन मैंने दिया था, कैपिटल क्यू। मैंने बताया था क्वेश्चन में गिवन होगा क्यू और आर, तुम्हें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर क्यू एंड आर गिवन होगा, इसी के टर्म्स में सॉल्व करते हैं। तो जो इनसाइड पॉइंट था, तो इनसाइड पॉइंट में चार्ज एनक्लोज 0 था, बट आउटसाइड पॉइंट में चार्ज एनक्लोज पूरा का पूरा क्यू हो जाए, कैपिटल क्यू हो जाए। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउटसाइड पॉइंट के लिए आ रही है, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसमें आर स्मॉल है, याद रखना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट होता है सेम वही रिजल्ट है जो एक पॉइंट चार्ज के लिए होता है। एक पॉइंट चार्ज के लिए आउटसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है, और एक स्फीयर के लिए भी आउटसाइड पॉइंट पे, एक हॉलो स्फीयर के लिए भी आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ही होता है, स्मॉल आर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। एट द सरफेस करेंगे तो बहुत ही सिंपल सी बात है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा इंटीग्रेशन करने के टाइम, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। सारे स्टेप सेम हो जाएंगे, तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। थर्ड केस ऑन द सरफेस, थर्ड केस ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस क्या हो जाता है, दो चीजें होंगी। ऑन द सरफेस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पुट कर देंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे। और ऑन द सरफेस और क्या होगा, ऑन द सरफेस जब निकालेंगे तो तब क्यू एनक्लोज्ड टोटल चार्ज एनक्लोज गॉसियन सरफेस में होगा, वो सरफेस पे ही है, सरफेस पे ही गॉसियन सरफेस है, तो चार्ज एनक्लोज को हम लोग उसी का अलॉन्ग रह रहा, उसी लाइन पे लाई कर रहा है, इसको हम लोग मान सकते हैं क्यू एनक्लोज्ड इज क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है गॉसियन सरफेस पे, दिस विल बी, इस केस में ऑन द सरफेस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख सकते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर। ये होता है गॉसियन सरफेस अगर अलॉन्ग द सर्फेस है, तो ऑन द सर्फेस अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये तुम्हें समझ में आ चुका होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। इंटीग्रेशन का स्टेप सेम हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री यूज करना होगा, ई को इंटीग्रेशन से बाहर निकालना होगा, डीएस का इंटीग्रेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आएगा, स्मॉल आर स्क्वायर, क्यू एनक्लोज जो कैपिटल क्यू पुट कर देंगे तो वहां से निकल जाएगा, और स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर लास्ट में यूज कर देंगे,
है, जो तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा वो ये निकलेगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर निकलेगा, बट बिकॉज स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, सिंस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर सिर्फ इस केस में, थर्ड केस में जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है वहां पर पुट कर देंगे कैपिटल आर, ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सर्फेस। अच्छा, अब इसके बाद लास्ट हमें जो क्या करना है, लास्ट हमें क्या करना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है विद डिस्टेंस, ग्राफ प्लॉट करना है विद डिस्टेंस। तो ग्राफ जब प्लॉट करना होगा तो कैसा हो जाएगा ग्राफ विद डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ, वाई एक्सिस के अलॉन्ग में प्लॉट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में प्लॉट कर रहा हूँ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, को मैं स्मॉल आर बोल रहा हूँ। स्मॉल आर जब चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू सबसे कम 0 होगी, सेंटर पे होगा, ठीक है, उससे थोड़ा दूर जाएंगे 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 एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रेडियस आ जाएगा, रेडियस ऑफ स्फीयर आ जाएगा, वो हो जाएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर की वो वैल्यू जो कैपिटल आर के इक्वल है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू 0, ऐसे स्मॉल आर की वैल्यू चेंज हो रही है चेंज हो रही है चेंज हो रही है, कहीं इन्फिनिटी तक जा रही है। कैसे चेंज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इनसाइड पॉइंट की बात करते हैं, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है याद है, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वही यहाँ पे शो करना है, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, यानी स्मॉल आर जब 0 से लेकर कैपिटल आर के बीच में कहीं पे होगा इतने दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ग्राफ ऐसा बनेगा ओवरलैपिंग विथ एक्स एक्सिस, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पे ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये 0 आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे ही स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा तो वहां पे कैसा हो जाएगा ग्राफ, वहां पे ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा। तो ये ग्राफ जो होता है ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, क्यों वहां का ऐसा, बिकॉज इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर हो जाता है, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो ये हाइपरबोला शेप होता है, शेप को बोलते हैं हाइपरबोला, हाइपरबोला टाइप का शेप होता है, हाइपरबोला टाइप का शेप होता है, तरीके से कुछ डाउन होता है, एग्जैक्टली हाइपरबोला नहीं है बट हाइपरबोला टाइप का शेप होगा, और ये नीचे की तरफ ऐसे जाता है, देन ये ग्राफ है 1 बाई आर स्क्वायर का। और ये ग्राफ की खास बात, ये ग्राफ कैसा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड विद स्मॉल आर स्फेरिकल शेल के लिए करना है, हॉलो स्फीयर के लिए करना है, उस केस में जो ग्राफ बनता है दिस ग्राफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ये याद रखना कि ये ग्राफ की कंटिन्यूटी नहीं होती है, डिसकॉन्टिन्यूअस ग्राफ होता है। कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, एग्जैक्टली जब रेडियस पे पहुंचेंगे तो ग्राफ डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर उस पोर्शन में वो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के 0 आती है, बाद के पोर्शन में प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर होता है, इस पॉइंट पे जो वैल्यू होती है एग्जैक्टली अगर रेडियस पे जाएं, एग्जैक्टली अगर रेडियस पे जाएं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एग्जैक्टली अगर रेडियस पे देखा जाए, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेक करेंगे तो ये वैल्यू होती है के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहाँ पे के का मतलब हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कह सकते हैं क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर, ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पे रेडियस पे, ठीक है। अब क्वेश्चन का एक दूसरा वेराइटी, क्वेश्चन का एक दूसरा वेराइटी क्या हो सकता है, अगर चार्ज नहीं गिवन हो, इनकेस क्वेश्चन में चार्ज नहीं गिवन है, चार्ज नॉट गिवन, और ये सेम क्वेश्चन करना हो, सब कुछ सेम एग्जैक्टली सेम, बस चार्ज गिवन नहीं हो सिग्मा गिवन हो, तब क्या करेंगे, चार्ज गिवन नहीं हो सिग्मा गिवन हो, तो ऐसे केस के लिए बहुत ही सिंपल है कि चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा, सिग्मा के टर्म्स में चार्ज कितना हो जाएगा ये निकालना तुम्हें आना चाहिए, सिग्मा के टर्म्स में चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय जो एरिया है स्फीयर का, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ स्फीयर, तो वो हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर, सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा दिया हुआ है तुमको सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज हो जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ये पुट कर देंगे कंडीशन Q इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, कैसे पुट किया, बिकॉज ये चार्ज पर यूनिट एरिया था, चार्ज अपॉन एरिया था, सिग्मा सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज बन जाएगा,
ठीक है, सरफेस सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया एरिया कट जाएगा, चार्ज बचेगा, ठीक है ना। ओके, तो ये जो सिग्मा के टर्म्स में हमने चार्ज को डिफाइन किया है, सिग्मा के टर्म्स में चार्ज को डिफाइन कर लिया, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया हो गया, क्यू हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको यूज करते हुए सारे रिजल्ट्स को हम लोग अरेंज कर सकते हैं, जो 3 रिजल्ट हमारे पास निकले तो तीनों को हम लोग यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। क्या बन जाएगा रिजल्ट्स, तीनों केसेस का रिजल्ट क्या क्या होता है उसको जरा नोट कर लो, और बस उसमें क्यू को रिप्लेस कर लो, को रिप्लेस करते ही काम हो जाएगा। सिर्फ क्यू को रिप्लेस करना ही मेन काम है और कुछ भी नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिंपली क्यू को रिप्लेस करना है। ओके, चलो देखते हैं जरा एक बार। तो जस्ट हमारे 3 रिजल्ट्स कौन से थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड का पॉइंट क्या था, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, वो था 0, तो 0 में क्या रिप्लेस करना, 0 तो 0 ही रहेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाला क्या था, आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन था, तो ये था क्यू बाई फोर पे, ये जो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर था, ये यहाँ पे क्यू की जगह रिप्लेस कर देंगे, हमारे डेरिवेशन के स्टेप में भी हो जाएगा, जो क्यू एन क्लोज की जगह पे ये लिख देंगे हम लोग सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। इनकेस किसी को इसमें डाउट होगा तो अलग से पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगा क्या कैसे करना है, किसी को भी इनकेस डाउट होगा तो वो पूछ सकते डेरिवेशन कैसे करना है। ये 4 पाई 4 पाई कट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा सिग्मा कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर, सिग्मा कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं कहीं और लिख देता हूँ इसको, ठीक है। तो जिस कटने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा कौन से पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट के लिए निकल के आएगा सिग्मा, आउटसाइड पॉइंट के लिए आ जाएगा सिग्मा कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्मॉल आर का स्क्वायर, इट इज फॉर आउटसाइड पॉइंट, सॉरी सिग्मा नहीं, नीचे एप्सिलॉन हो जाएगा, जो जगह एप्सिलॉन नॉट, ऊपर सिग्मा कैपिटल आर का स्क्वायर, नीचे एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए, ठीक है। और अगर एग्जैक्टली ऑन द सरफेस चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे अगर तुम्हें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस, तो बस सिग्मा जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, यहाँ पे अगर सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर पुट कर देंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहेंगे सिग्मा के टर्म्स में, तो वो जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे भी कैपिटल आर स्क्वायर है, इसको करने के टाइम 4 पाई 4 पाई कट जाएगा, R स्क्वायर R स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर सिर्फ हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये होता है स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे, स्फीयर का सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड पॉइंट पे होता है सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, इनसाइड पॉइंट पे होता है 0। तो ये तीनों केसेस बन गए सिग्मा के टर्म्स में भी, इन केस किसी को प्रॉब्लम होगा डेरिवेशन सिग्मा यूज करते हुए तो पूछ सकता है, जनरली सिग्मा यूज करके आता नहीं एग्जाम में, जनरली एग्जाम में क्यू और आर के टर्म्स में ही आता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर, चार्ज सॉलिड स्फीयर सिमेट्री कैसा होगा, स्फेरिकल सिमेट्री, गॉशियन सरफेस स्फीयर बन जाएगा, पिछले वाले केसेस टाइप के होंगे, और फिर जब सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा तो लास्ट में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और पहले डेरिवेशन करते हैं, तो डेरिवेशन करने के लिए अब जो स्फीयर होगा वो एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर समझना, मतलब पूरा अंदर का पार्ट भी जो है वो हॉलो नहीं है, अंदर का पार्ट भी पूरा किसी मटेरियल से बना हुआ है, और ऐसे क्वेश्चंस में जो स्फीयर होगा वो इंसुलेटर का बना होगा, ऐसे केसेस में जो स्फीयर होगा वो इंसुलेटर से बना होगा, ठीक है। इट इज मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, मेड अप ऑफ इंसुलेटर, सॉलिड स्फीयर इज मेड अप ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। और इस पर एक चार्ज एम्बेड कर दिया गया, चार्ज एम्बेड कर दिया पूरे बॉडी में, ये चार्ज एम्बेड किया है पूरे बॉडी पे किया गया, तो रेड से मैं मार्क कर देता हूँ चार्ज को, ताकि इसके अंदर भी मैं इसको ड्रॉ कर सकूँ, चार्ज पूरे बॉडी में एम्बेड किया हुआ है, हर जगह पूरे बॉडी में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया,
ये हो गया केस फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पूरे वॉल्यूम में चार्ज, अंदर भी चार्ज है, सरफेस पे भी चार्ज है, हर जगह चार्ज चार्ज, पूरे बॉडी में चार्ज। ठीक है, तो ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर से तीन केसेस बनेंगे। केस वन, फर्स्ट केस, इनसाइड पॉइंट, वो रिलेटिवली थोड़ा टफ होता है, तो उसको सेकंड में करेंगे हम लोग। फर्स्ट केस कर देंगे आउटसाइड पॉइंट, जहाँ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये सिंपल केस हो जाएगा। सेकेंड केस, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग हो जाता है, देखेंगे कैसे करना है इसको। इनसाइड पॉइंट, और थर्ड होता है ऑन द सरफेस। सरफेस के लिए स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर क्या होता है, ये होता है आउटसाइड पॉइंट के लिए। स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ये होता है इनसाइड पॉइंट के लिए। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये सरफेस के लिए होता है। फर्स्ट एंड थर्ड रिलेटिवली ज़्यादा ईजी होता है, सेकेंड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसमें स्पेशल केयर रखना। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पॉइंट के लिए थोड़ा स्पेशल केयर रखना होगा। ठीक है, आओ ज़रा देखते हैं कैसा निकलेगा, ये डेरिवेशन कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप करते हैं तीनों पार्ट्स को ड्राइव। पहला, आउटसाइड पॉइंट के लिए करना है तो ये स्फीयर रख लिया। गॉशियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करना है, मैं लैंग्वेज सेम टू सेम रिपीट नहीं कर रहा हूँ बार बार, तुम खुद से नोट कर सकते हो। एक स्फीयर रख लेंगे, गॉशियन सरफेस, स्फेरिकल गॉशियन सरफेस, जो उस पॉइंट से पास करेगा जिस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो पी पॉइंट से पास होगा गॉशियन सरफेस। सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर से इसको ज्वाइन करेंगे पॉइंट पी को, तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये डिस्टेंस स्मॉल आर होगा, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, स्मॉल आर क्वेश्चन में गिवन होगा, कैपिटल क्यू क्वेश्चन में गिवन होगा, कैपिटल आर क्वेश्चन में गिवन होगा, तीनों चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होंगी, दिस विल बी गिवन। और तुम्हें फाइंड करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ये क्वेश्चन में दिया होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकाल रहे हैं हम लोग बेसिकली एट पी, क्लियर, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ कैलकुलेट करना है। तो कंस्ट्रक्ट किया हमने गॉशियन सरफेस, ये गॉशियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया हमने, स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर पासिंग थ्रू पी, स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर पासिंग थ्रू पी। अब यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या बन जाएगा, ये सिंपल, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा ये, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा फाई, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर स्फीयर के हर सारे केस में कॉस 0 डिग्री बनता है इसका। क्यों बनता है, बिकॉज दोनों का एंगल सेम होता है, दोनों रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, ये मैं ऑलरेडी मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, अब वो सेम चीज़ रिपीट होता रहेगा। ई डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया गॉस लॉ। कॉस 0 डिग्री क्यों है, रीजन फॉर कॉस डिग्री 0 डिग्री, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल, एरिया वेक्टर बोथ आर अलोंग रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल, बोथ आर अलोंग द रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल। तो इस सिमेट्री को देखते हुए हम लोग यहाँ पे कॉस 0 डिग्री पुट कर सकते, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कॉस 0 डिग्री हो गया। अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन से ई को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूजिंग सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा और वो बाहर निकल जाएगा। तो डी एस हो गया कॉस 0 डिग्री इज वन, कुछ नहीं है, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज, चार्ज इनक्लोज कितना हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज पूरा चार्ज सॉलिड स्फीयर का पूरा चार्ज एनक्लोज ही तो है, अंदर ही तो है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इस स्टेप में लिखना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बाई सिमेट्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म या कॉन्स्टेंट, ठीक है, बाई सिमेट्री। सिमेट्री ना होता तो इंटीग्रेशन के बाहर नहीं निकल पाता ये, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री है इसलिए वो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आता रहेगा, सारे पॉइंट एक जैसे हैं तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम आता रहेगा, उसकी वैल्यू, इसलिए उसको बाहर निकाल लिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस को क्या बोलेंगे, एरिया, एरिया कितना आता है इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट करके एरिया कितना बन जाएगा,
शेप है सॉलिड स्फीयर, एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। पाई कौन सा, छोटा कि बड़ा, पाई कौन सा यूज़ करना है? पाई तो छोटा ही होता है, पाई तो पाई होता है। रेडियस कौन सा यूज़ करना है, स्मॉल आर या कैपिटल आर? रेडियस यहाँ पे स्मॉल आर यूज़ करेंगे, तो 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, आउटसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा? आउटसाइड पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन आउटसाइड पॉइंट ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। जो हॉलो स्फीयर का आया था, सॉलिड स्फीयर का भी एग्जैक्टली सेम आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ये आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सॉलिड स्फीयर के कारण। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आउटसाइड पॉइंट। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनसाइड पॉइंट, उसका डेरिवेशन देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। तो एक सॉलिड स्फीयर ऐसा बिहेव करता है जस्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर उसका रिजल्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और डायरेक्शन होता है रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल के अलॉन्ग, रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल के अलॉन्ग डायरेक्शन होता है। चलो इतना डन हो गया, सो कॉपी कर लो रिकॉर्डिंग को पॉज करके। अब तुमको समझ में आना स्टार्ट हो चुका होगा, तो अब तुम थोड़ा फास्ट कर सकते हैं ना, तुम थोड़ा फास्ट कर सकते हो, हम लोग थोड़ा आगे फास्ट बढ़ सकते हैं। अब सेकेंड केस आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड केस ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इस पर ध्यान देना। इनसाइड पॉइंट, इनसाइड पॉइंट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कंडीशन, समझ आ चुका होगा अभी तक। इनसाइड पॉइंट पे स्मॉल आर जो होता है वो लेस देन कैपिटल आर होता है, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर और इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट के लिए स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल। अब क्या है, अब थोड़ा सा सर स्फीयर को बड़ा ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हो गया सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर इस पे पूरे बॉडी में चार्ज है, सॉलिड स्फीयर इस पे पूरे बॉडी में चार्ज है, पूरे बॉडी पे चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज मार्क कर देते हैं, पूरे बॉडी पे चार्ज है, इसके अंदर हर जगह चार्ज 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 चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, जहाँ भी देखो वहाँ सेम तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। सॉलिड स्फीयर थ्रू आउट द वॉल्यूम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। इनसाइड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी इनसाइड पॉइंट पे निकालना है। मान लो कि एक पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट पी, ग्रीन से तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मान लो। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए हम लोग एक स्फीयर मानेंगे जो कि पॉइंट पी से पास कर रहा होगा, और उसका सेंटर सॉलिड स्फीयर के सेंटर में ही रहेगा। वो जो इमेजिनरी, ये ग्रीन वाला इमेजिनरी स्फीयर है, सो गॉसियन सरफेस कहते हैं हम लोग। तो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी स्फीयर हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसका सेंटर सॉलिड स्फीयर का कॉन्सेंट्रिक है, ये सेम सेंटर है दोनों का, और वो पास कर रहा है पॉइंट पी से। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा स्मॉल आर, गॉसियन सरफेस का रेडियस है स्मॉल आर, और बड़े वाला स्फीयर जो है, बड़ा वाला स्फीयर जो एक्चुअल स्फीयर था क्वेश्चन में, उसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर। इस बात को समझ लो, बड़े वाले स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर, छोटे वाले स्फीयर जो गॉसियन सरफेस है हमारा उसका रेडियस है स्मॉल आर, और रिलेशन है स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो ये इनसाइड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर इनसाइड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे एनक्लोज चार्ज ढूंढना, मेन चीज होता है एनक्लोज चार्ज पता करना, कितना चार्ज इस छोटे से वॉल्यूम के अंदर होगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम के अलॉन्ग, तो ठीक है। तो ये हमें पहले फाइंड करना है कि चार्ज इनक्लोज कितना होगा। इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज कॉन्स्टेंट, या ये लिख सकते हैं कि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंसिडरिंग, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसे, कंसिडरिंग ये क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा, ठीक है। या फिर सिंस द चार्ज, कंसिडरिंग की जगह सिंस लिख सकते हो, ठीक है। सिंस द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सिंस द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द वॉल्यूम,
सिंस द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा इससे, सिंस द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द वॉल्यूम, अलोंग द वॉल्यूम, इससे क्या निकल के आता है, इस कंडीशन से ये बन जाता है तुम्हारे पास कि चार्ज अपॉन वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, तो मतलब जो रो होगा चार्ज बाय वॉल्यूम दैट इज कांस्टेंट। पूरे स्फीयर में तुम कहीं भी फाइंड करो तो चार्ज जितना होगा और वॉल्यूम जितना होगा उसका रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो चार्ज बाय वॉल्यूम का रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब ये चार्ज बाय वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर पूरा स्फीयर लिखेंगे तो चार्ज बाय वॉल्यूम क्यू बाई 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, ये पूरे पूरे स्फीयर का है, क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब पूरे स्फीयर का वॉल्यूम था। अब छोटा वाला जो गॉसियन सरफेस है हमारा उसके लिए अगर यूज करेंगे, जो चार्ज होगा उसको हम लोग क्यू एनक्लोज बोल सकते हैं, छोटे वाले के अंदर जो चार्ज होगा वो क्यू एनक्लोज हो जाएगा। अपॉन छोटे वाला जो गॉसियन सरफेस है उसका वॉल्यूम कितना होगा, वो भी स्फेयर है, वो भी स्फेरिकल पार्ट है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई, उसका रेडियस, उसका रेडियस कितना है स्मॉल आर, वो हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। यहाँ से क्यू एनक्लोज निकल के आ जाएगा, यहाँ से क्यू एनक्लोज कैसे निकल जाएगा, क्यू एनक्लोज यहाँ से क्यू एनक्लोज आ जाएगा, पूरा स्फीयर का चार्ज अपॉन पूरे स्फीयर का वॉल्यूम, पूरे स्फीयर का चार्ज अपॉन पूरे स्फीयर का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम, यानी 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। 4/3 4/3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू स्मॉल आर का क्यूब अपॉन कैपिटल आर का क्यूब, ये एनक्लोज चार्ज हो जाएगा, दिस विल बी एनक्लोज चार्ज, इस बात को ध्यान में रख लो, एनक्लोज चार्ज इज क्यू स्मॉल आर का क्यूब अपॉन कैपिटल आर का क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं गॉस लॉ, जब चार्ज एनक्लोज मिल गया तब गॉस लॉ यूज करना इज वेरी इजी। पहले ये ड्राइव करेंगे, ये पूरा कैलकुलेशन करके दिखाएंगे वहाँ एग्जाम में, ये कैलकुलेशन करके क्यू एनक्लोज निकाल देंगे कैपिटल क्यू स्मॉल आर का क्यूब अपॉन कैपिटल आर का। इसके बाद अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ स्टेप्स पता है क्या होता है इसके बाद, चलो इसको मैं इरेज कर दूंगा, तुम लोग नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज कर लो और इसको यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज करके फिर आगे करता हूँ। ठीक है, इस सारे पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। एनक्लोज चार्ज निकाल लिया, एनक्लोज चार्ज एग्जाम में शो जरूर करना, अगर नहीं शो करोगे तो मार्क्स पूरा कट जाएगा, ऐसा नहीं कि याद सिंपल लिख दिया, उसको शो करना पड़ेगा। एनक्लोज चार्ज निकल गया, अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लगा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और ये होता है इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के टाइम पहला स्टेप में ई डी एस कॉस कितना यूज करेंगे, स्फीयर पता है स्फीयर में क्या होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो कॉस 0 डिग्री हो जाता है, रीजन अब तुमको याद हो चुका होगा, क्योंकि दोनों किस डायरेक्शन में होते हैं, ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर आर इन विच डायरेक्शन, आर अलोंग रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उसके बीच का एंगल 0 बन जाएगा, पैरेलल है दोनों, तो कॉस थीटा में कॉस 0 डिग्री यूज करना होगा, जो कि कॉस 0 डिग्री इज 1, अगले स्टेप में यूज कर लेंगे कॉस 0 डिग्री इज 1, तो ये रीजन हो गया इसका कॉस 0 डिग्री का। अब क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज पुट करना पड़ेगा, क्यू एनक्लोज की जगह लिख सकते हैं क्यू स्मॉल आर का क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो है ही है, और कैपिटल आर का क्यूब नीचे डिनोमिनेटर में आना चाहिए, यहाँ पे क्यू स्मॉल आर का क्यूब अपॉन कैपिटल आर का क्यूब, ये पूरा हो गया क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो ये एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो ये हो जाएगा क्यू स्मॉल आर का क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का। ठीक है, तो ये क्यों हुआ कि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म,
और ये यूनिफॉर्म क्यों है? बाईसिमेट्री, बाईसिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रेडियस अगर सेम मेंटेन रख रहे हैं, डिस्टेंस सेम मेंटेन कर रहे हैं फ्रॉम सेंटर, तो सारे पॉइंट्स एक जैसे हैं और सब पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो बाईसिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म या कॉन्स्टेंट लिख सकते हो, कॉन्स्टेंट या यूनिफॉर्म बाईसिमेट्री, जिसे उसको बाहर निकाल दिया। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना हो जाएगा? एरिया का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें आर कौन सा यूज करना है हमने, स्मॉल या कैपिटल? गॉसियन सरफेस का निकालते हैं हम लोग एरिया, तो इसलिए 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ रही है इनसाइड पॉइंट के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड पॉइंट के लिए जो निकल के आ रही है वो क्यू स्मॉल आर का क्यूब अपॉन ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, और नीचे आ रहा है कैपिटल आर का क्यूब। अब यहाँ पे आर स्क्वायर कटेगा, ऊपर बचेगा स्मॉल आर, और ये हो जाएगा पूरा रिजल्ट। पूरा रिजल्ट क्या निकल गया, एक बार रिजल्ट को फिर से लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट के लिए क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट के लिए रिजल्ट याद रखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, क्यू स्मॉल आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का क्यूब। अगर सॉलिड स्फीयर है, अगर सॉलिड स्फीयर है तो इनसाइड पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है क्यू स्मॉल आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन है, वेरी कौन कर रहा है इनसाइड पॉइंट को, देखो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, अगर इनसाइड पॉइंट में चेक करेंगे चार्ज कैपिटल क्यू तो सेम रहेगा क्योंकि पूरा बॉडी सेम है, कैपिटल आर सेम रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वो सब सेम रहेगा, स्मॉल आर चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। मेन जो वेरिएबल है वो स्मॉल आर है, दोनों का रिलेशन क्या है आपस में, इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ठीक है, इनसाइड पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्मॉल आर से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा, बाहर के पॉइंट पे डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। इस रिजल्ट को मैं एक बार लिखना चाहता हूँ पूरा इरेज करके, तुम लोग यहाँ तक सारा पार्ट कॉपी कर लो फिर मैं लिखता हूँ, ठीक है, तुम लोग कॉपी कर लो, मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ, मतलब तुम लोग वीडियो पॉज कर लो। कर लो कर लो जल्दी। मैं अब इसको इरेज कर रहा हूँ, तुम लोग अगर नहीं हुआ हो तो तुम लोग रिकॉर्डिंग पॉज करके कंटिन्यू करो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट काम, ये रिलेशन कैसा बिहेव कैसे कर रहा है जरा थोड़ा सा देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट्स, इसमें क्या रिलेशन हो रहा है, एट इनसाइड पॉइंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जब डिस्टेंस बढ़ेगा सेंटर से, जब डिस्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है कहाँ तक, सरफेस तक बढ़ती जाती है, उसके बाद आउटसाइड पॉइंट पे क्या हो जाता है, एट आउटसाइड पॉइंट आउटसाइड पॉइंट का जो रिलेशन निकला वो ऐसा निकला, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर निकल के आया आउटसाइड पॉइंट, ये बाकी तो कांस्टेंट पार्ट है तो लिख सकते हैं ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, 1 बाई आर स्क्वायर से वो कम होते जा रहे, जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा, इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगा, अगर इनफिनाइट डिस्टेंस पे चले जाओ फ्रॉम द सेंटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाता है, ठीक है, तो आउटसाइड पॉइंट पे जो होता है वो डिपेंड कर एस 1 बाई आर स्क्वायर, ये नोट करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाहर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस,
है। और एग्जैक्टली एट द सरफेस क्या होगा, वो इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, वो इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है। आउटसाइड वाला इंटीग्रेशन सेम टू सेम करना, और ई की वैल्यू लास्ट में सेम आएगा एट ऑन द सरफेस, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर निकल के आएगा। एग्जैक्टली सेम आउटसाइड वाला इंटीग्रेशन का स्टेप करना, करके लास्ट में ये आएगा। बट एट द सरफेस क्या हो जाएगा, एट द सरफेस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल। ये कंडीशन पुट करने पे ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का स्क्वायर। ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, एट द सरफेस का जो पूरा शो करना है स्टेप्स, वो तुम लोग करके मुझे भेजना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू, एट सरफेस। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ कैसा बनेगा। तुम्हारे लिए होमवर्क है एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना फॉर सॉलिड स्फीयर। बहुत सिंपल सा स्टेप्स है, बस एक बार करके देख लेना ताकि तुम्हारे पास कंप्लीट हो जाए। कुछ मिस्टेक होगा तो मैं चेक कर दूंगा, बस ये पर्पस है। चलो ठीक है, अब ये ग्राफ प्लॉट करना है नेक्स्ट हमें, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनेगा विथ डिस्टेंस। ठीक है, ग्राफ ऑफ फील्ड विथ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये जरा एक बार प्लॉट करके देखते हैं। कंपेयर करना विथ हॉलोस्फीयर, क्या डिफरेंस आ रहा है। हॉलोस्फीयर में क्या आता है कि जब रेडियस ऑफ स्फीयर से कम का डिस्टेंस हम लोग पिक करते हैं, 0 टू कैपिटल R के बीच में अगर डिस्टेंस को रखते हैं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता था। बट अब क्या आ रहा है, अब एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, अब एक वैल्यू आ रही है, वो कांस्टेंट भी नहीं आ रही है। क्या आ रही है वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है इनसाइड पॉइंट पे, क्यू स्मॉल आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर का क्यूब आ रहा है। यानी कि एक डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन आएगा किस, एट सम एंगल। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगा एट सम एंगल, क्योंकि लीनियर रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लीनियर होता है। वाई इक्वल टू एम एक्स टाइप का होगा, मैथ स्टूडेंट्स को पता होगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। अगर पासिंग थ्रू ऑरिजिन होता है तो वाई इक्वल टू एम एक्स का इक्वेशन, वही ऐसा ही बन गया। ये एम यहाँ पे स्लोप हो गया, ये वाला टर्म 2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब, ये हो गया इसका स्लोप, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए स्ट्रेट लाइन बन जाएगा एट सम एंगल। अगर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट करो इस इक्वेशन के अंदर, तो क्या आना चाहिए इस इक्वेशन के हिसाब से, एट द सरफेस कितना आना चाहिए इस इक्वेशन के हिसाब से। अगर पुट करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है, देखो सरफेस वाली वैल्यू आ गई। अच्छा, आउटसाइड पॉइंट में पुट करते हैं, आउटसाइड पॉइंट में पुट करते हैं मतलब क्या, आउटसाइड पॉइंट का ये होता है इक्वेशन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, वहां पे स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट करते हैं तो वो भी यही आता है। इसका मतलब इसका लेफ्ट में और राइट में से यही सेम वैल्यू बन रहा है, कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस बनेगा, ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस बनेगा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पे। दोनों साइड से सेम वैल्यू ही बनती जा रही है, सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं। मैथ्स के टर्म में बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम है इसका दोनों तरफ से इस पॉइंट पे, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस ग्राफ बन रहा है। ठीक है, और ग्राफ का 2 पार्ट्स है, एक पार्ट जो लेफ्ट वाला पार्ट है मतलब इनसाइड पॉइंट है, प्लॉट पार्ट की जो इनसाइड पार्ट, इनसाइड द स्फीयर है, इनसाइड द स्फीयर वाला पार्ट, उसके अंदर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या है इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इनसाइड पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैसे वेरी कर रहा है विद स्मॉल आर इनसाइड पॉइंट्स पे, और इनसाइड पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और फॉर आउटसाइड पॉइंट इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्मॉल R का स्क्वायर। और ये जो एग्जैक्टली पीक वाला पॉइंट है, हाईएस्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहाँ पे होता है, वो रेडियस पे होता है, ऑन द सरफेस होता है। हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होता है, उसकी वैल्यू होती है ई इज इक्वल टू, चलो यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिख देते हैं, वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं, ये होता है ई इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर का स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे। डन, यहां तक डन हो चुका होगा सभी का, सारे को समझ आ चुका होगा।
ठीक है, मेरे ख्याल से कॉपी तुम लोग ऐसे भी हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो रिकॉर्डिंग पॉज करके देख लेना। और नेक्स्ट केस क्या है हमारे पास? नेक्स्ट केस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अगर एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है बहुत बड़ा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे जो सिमेट्री होता है, दैट इज सिलेंड्रिकल सिमेट्री, गॉसियन सरफेस इज सिलेंडर। और ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसा होगा। प्लेन शीट ऑफ चार्ज, मान लो कि बहुत ही बड़ा एक रेक्टेंगल टाइप का, बहुत ही बड़ा, 3D में समझ लो, 3D में तुमको दिखाई देगा। एक सरफेस है, वॉल जैसा, एक वॉल मान लो, हमारे घर में जो वॉल है ना, ऐसा मान लो एक बहुत ही बड़ा सा वॉल है, इनफाइनाइट साइज का वॉल है, और पूरा का पूरा वॉल चार्ज है, पूरे के पूरे वॉल पे चार्ज। ये शीट है, शीट मतलब पेपर जैसा, मैं बस इमेजिन करने के लिए वॉल बोल रहा हूँ तुमको, लेकिन इससे थिकनेस नहीं होगा, थिकनेस नहीं होगा, ठीक है। शीट का मतलब क्या है? पेपर जैसा थिन, इसमें कोई थिकनेस नहीं होना चाहिए। एक ही शीट है, इसमें पूरा चार्ज है, पूरा शीट यूनिफॉर्मली चार्ज, शीट इज यूनिफॉर्मली चार्ज, और तुमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में चार्ज की वैल्यू कई बार नहीं दी होती है, चार्ज एंड एरिया जनरली इसमें नहीं दिया होता है, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया होता है क्वेश्चन। इनफाइनाइट वाले जो होते हैं, इसमें जनरली सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया होता है, सिग्मा दिया होता है, सिग्मा इज गिवन। उसके टर्म्स में तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है। अब देखो यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसा होगा, ध्यान देना, गॉसियन सरफेस कैसा होगा इस केस को सॉल्व करने के लिए। एक सिलेंडर होगा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है जो शीट से पास कर रहा है, शीट से पूरा आर पार ये पास कर रहा है, ठीक है। इस पे अगर तुमको पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं तुमको इसका एक लाइव क्लास, जब मैं अभी थोड़े टाइम में अपने होम टाउन आने वाला हूँ, तो वहां पे मैं तुम्हें इसका, रांची आने वाला हूँ, तो तुम्हें मैं इस पे एक ऑफलाइन क्लास में समझा दूंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। मे भी डायग्राम में अगर नहीं नहीं क्लियर हो पाता तो मैं उस टाइम पे समझा दूँ। बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक सिलेंडर मान रहे हैं जो कि शीट के आर पार जा रहा है, एक इमेजिनरी सिलेंडर है, रियल में कोई सिलेंडर नहीं, इमेजिनरी सिलेंडर है जो शीट के आर पार जा रहा है, ठीक है, इसको गॉसियन सरफेस मान लिया हम लोगों। अब जो सिलेंडर होगा, इस सिलेंडर के कितने सरफेस हो जाएंगे, सिलेंडर के कितने सरफेस बन जाएंगे, सरफेस ऑफ सिलेंडर, इसमें तीन सरफेस हो जाएंगे, ठीक है। टॉप जो दो सर्कल वाले पार्ट बन रहे हैं सिलेंडर का, जो दो सर्कुलर पार्ट बन रहा है, एक को मान लो बोल दिया कि लेफ्ट पार्ट, एक को बोल दिया राइट पार्ट, और एक हो गया कर्व सरफेस। एक कर्व सरफेस है और दो इसके एंड्स है, लेफ्ट और राइट में सर्कल जो बन रहे हैं, एक ये वाला मान लो, ये वाला एरिया है, ठीक है, मैं शेड कर दे रहा हूँ, ये वाला एरिया एक है, एक ये वाला एरिया है, और बाकी सिलेंडर का कर्व सरफेस है। मेरे ख्याल से तो तुम समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये है हमारा गॉसियन सरफेस इस केस का। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे? अगर तुम प्लेन शीट ऑफ चार्ज इमेजिन करो, उससे बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पूरे नॉर्मल निकल रहे होंगे, उस सरफेस के परपेंडिकुलरली उसको लीव कर रहे होंगे, वो लाइंस कुछ ऐसे होंगे, प्लेन शीट से बाहर निकलते हुए लाइंस होंगे, और यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर जगह यूनिफॉर्मली निकलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होंगे, बाहर निकलते हैं। ब्लैक से शो कर दूं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ब्लैक से शो कर दूं, बेटर रहेगा, ब्लैक से शो कर दूं। ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, ये इस तरीके से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है ना। और ट्राई करना कि इक्वल डिस्टेंसेस पे शो करने का, बिकॉज ये यूनिफॉर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए ट्राई करना कि इसको पैरेलल शो करें, इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जो सिलेंडर था उसके तीन सरफेस थे, सिलेंडर के तीन सरफेस थे, ठीक है, उनके नाम लिख देते हैं 1, 2 एंड 3। इसको बोल दिया 1, ये जो शेड किया इसको 1 बोला, कर्व सरफेस को 2 बोल दिया, और जो एक और किया है उसको 3 लिख दिया, 1, 2, 3, एग्जाम में भी लिख देना 1, 2, 3, ठीक है। तो अब सिलेंडर का जो टोटल एरिया निकालना होगा जब सॉल्व करेंगे इसको, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इससे पहले का स्टेप सारा सेम होगा, तो मैं डिफाइन करना होगा कि हम लोग एक गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या लिख सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई जो फ्लक्स होता है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, बिकॉज तीन सरफेस हैं, तीन अलग अलग सरफेस है, तो उनका तुमको फ्लक्स ऐड करके लिखना पड़ेगा। तो मतलब लिख सकते हैं ई वन डॉट डी एस वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू डॉट डी एस टू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई थ्री डॉट डी एस थ्री, ये तीन पार्ट्स में हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरे ख्याल से तुम्हें ये बात समझ में आ रही है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तीन सरफेसेस का है, तो तीनों सरफेस का अलग अलग लिख करके ऐड करेंगे हम लोग, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, दैट शुड बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी, है ना, तीन सरफेस हो गया। मैं इसको ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, तुम नोट कर लो, पॉज करके फिर प्ले कर देना। ये मैं ऊपर वाले पार्ट को इरेज कर देता। अब तीन सरफेस है हमारे पास, अगर तीनों सरफेस को ध्यान से देखो, तीनों सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो कैसा दिखाई देगा भाई, एक एक लाइन एरिया वेक्टर के लिए ड्रॉ कर, एरिया वेक्टर में एक एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बस। ठीक है, फर्स्ट सरफेस का एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा, सेकेंड सरफेस का एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा, थर्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा। उस सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल, उस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है, जब तुम यहाँ पे सर नॉर्मल ड्रॉ करोगे इस तरीके से, आउटवर्ड नॉर्मल होगा हर पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस है, फॉर कर्व्ड सरफेस, फॉर कर्व्ड सरफेस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल कैसा हो जाएगा, फॉर कर्व्ड सरफेस, फॉर कर्व्ड सरफेस। अब तीनों सरफेस में मैं एक एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, तीनों सरफेस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये शीट ऑफ चार्ज है, सामने से देखोगे तो बाहर निकलते वैसे थी दोनों लाइन, पीछे देखेंगे तो पीछे की तरफ भी लाइन ऐसे निकलते हुए दिखाई देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस शीट से पीछे की तरफ भी बाहर निकलते हुए लाइन्स दिखाई देंगे। ठीक है, शीट से बाहर निकलते हुए लाइन्स, पैरेलल लाइन्स ऐसे दिखाई देंगे, तुमको इक्वल डिस्टेंस पे ड्रॉ करना चाहिए आइडियली। ठीक है, अब अगर इन तीन सरफेस को देखा जाए तो फॉर कर्व सरफेस क्या दिखाई दे रहा है तुमको, फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, एरिया ऐसे जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना दिखाई दे रहा है, फील्ड और एरिया के बीच में एंगल। और कर्व सरफेस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, और कर्व सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। तो ई टू वेक्टर डॉट डी एस टू वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस शुड बी क्या बन जाएगा, ये ई बन जाएगा, ई टू बन जाएगा, डी एस टू बन जाएगा, लेकिन साथ में कॉस कितना हो जाएगा, कॉस एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 होता है जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करके पूरा टर्म बन जाएगा जीरो। सेकेंड वाला जो फ्लक्स है वो हो जाएगा जीरो, कर्व सरफेस का फ्लक्स हो जाएगा जीरो, सिर्फ ये दोनों सरफेस का फ्लक्स बचेगा, फर्स्ट एंड लास्ट सरफेस का, फर्स्ट एंड थर्ड सरफेस का फ्लक्स बचेगा। फर्स्ट एंड थर्ड सरफेस का फ्लक्स बचेगा, और बाई सिमेट्री तुम कह सकते हो कि दोनों एरिया सेम आने वाला है, दोनों फील्ड सेम आने वाला है, तो ये एक्चुअल में क्या निकल जाएगा, पहले तो फॉर कर्व सरफेस लिख दिया हम लोगों ने, ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू डॉट डी एस टू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू डी एस टू कॉस 90, कॉस 90 होता है जीरो, तो ये जीरो बन गया। अच्छा, अब हमारा जो गॉस लॉ का इक्वेशन है उसमें दो पार्ट्स हो गए हमारे पास, ई वन डॉट डी एस वन प्लस जीरो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई थ्री डॉट डी एस थ्री, ये दो पार्ट्स बच गए, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां तक बन चुका है हमारे पास। अब और जरा देखते हैं, समझते हैं, यहां तक पहले नोट कर लो फटाफट फटाफट, क्लास थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगा कि तुम लोग समझ लो अच्छे से बात को। मेरे नेक्स्ट क्लास का भी एक्चुअली टाइम हो रहा है, 5-6 मिनट्स है, कुछ थोड़ा सा टाइम बचा है बस, उसके बाद मेरे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करना है। चलो, ये तुमने अभी तक नोट कर लिया होगा, ठीक है, तो फ्लक्स का जो दो पार्ट्स आए तुम्हारे पास, पहला पार्ट और तीसरा पार्ट, वो दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में जब तुम देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया भी ऐसे ही है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो एरिया भी ऐसा ही है, इन दोनों केसेस का कॉस जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, ई वन डी एस वन कॉस 0 डिग्री,
प्लस एक बीच में जीरो आ चुका है, और लास्ट पार्ट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई थ्री डी एस थ्री कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ये गॉस लॉ लगाया हम लोगों ने। अब क्यू एनक्लोज्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना एज चार्ज इनक्लोज है इसके अंदर, जो पोर्शन था जो कट हो रहा था, गॉसियन सरफेस जहां पे सरफेस कट कर रहा था प्लेन शीट को, जितना पोर्शन प्लेन शीट का कट हो रहा था इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होगा, बस हमें ये चार्ज चाहिए जो इसके अंदर इनक्लोज होगा। ये चार्ज जो होगा दिस शुड बी इक्वल टू सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एरिया, जो भी एरिया है इसका, जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा को, तो ये क्यू एनक्लोज मिल जाएगा तुमको, वेयर एरिया इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेयर ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, गॉसियन सरफेस कह सकते हो या सिलेंडर कह सकते हो, गॉसियन सरफेस ही सिलेंडर है हमारा, ऑफ गॉसियन सरफेस उसके इक्वल ही यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ये एनक्लोज चार्ज हो गया, ठीक है। तो अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, बाईसिमेट्री, बाईसिमेट्री सिमेट्री के हिसाब से दोनों फ्लक्स बिल्कुल सेम होने वाले हैं, सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइन दोनों से निकलेंगे, बिकॉज एग्जैक्टली सेम केस है लेफ्ट में और राइट में, तो सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइन दोनों से बाहर निकलेंगे, तो बाइसिमेट्री क्या हो जाएगा, बाइसिमेट्री, बाइसिमेट्री ये 2 टाइम्स कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं 2 टाइम्स ई वन डी एस वन कॉस 0, दिस शुड बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां पर इंटीग्रेशन करने के टाइम ई वन को बाहर निकाल सकते हैं, कॉस 0 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको और इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कुछ भी डाउट रहेगा तुम लोग मुझसे अलग से पूछ लेना रिकॉर्डिंग देखने के बाद, अगर कुछ डाउट रहता है तो पूछ सकते। E1 और 2 को कॉमन निकाल, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देंगे इंटीग्रेशन से, अंदर बस बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, किसी एक सरफेस का एरिया उसका इंटीग्रेशन, टोटल एरिया निकालना है तुम, या तो फर्स्ट या थर्ड का तुम एरिया निकालोगे, दोनों सेम आएगा, वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही आएगा, वो क्या आएगा, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही आएगा। उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोगों ने ए लिख दिया, एक्चुअली में पाई आर स्क्वायर आता है, इसको हम लोग ए लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2E1 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, या ए लिख सकते हो, सिंपल ए लिख के तुम्हारा काम हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ए से डिवाइड कर देंगे तो ई वन निकल के आ जाएगा, ई वन कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आ जाएगा, प्लेन शीट ऑफ चार्ज का सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए कट जाएगा, तो आंसर आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना सिग्मा कांस्टेंट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेन शीट का गिवन है, वो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो निकलता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, प्लेन शीट से तुम कितने दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, या फिर प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो कई बार एग्जाम में ये आता है प्रूव करने के लिए कि शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ यूनिफॉर्म प्लेन शीट ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, ये आता है एग्जाम में कई बार प्रूव करने के लिए। तो अगर तुम निकालो, कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और निकल जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लिख सकते हो कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन शीट ऑफ चार्ज, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो यहाँ तक का पार्ट हमारा डन हो चुका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैलकुलेट हो गया फॉर प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या ग्राफ बनेगा, अगर प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे विद डिस्टेंस, तो क्या बनना चाहिए तुमको, क्या लगता है, ये तुम लोग खुद से गेस कर सकते हो, क्या लगता है तुमको। अब कोई भी डिस्टेंस पिक कर लो, आर जो डिस्टेंस है, हर डिस्टेंस पे, चाहे 0 डिस्टेंस, चाहे कोई भी डिस्टेंस, R1, R2, R3, R4, कुछ भी डिस्टेंस ले लो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, वो तो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही,
वो तो निकल के आ रहा है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डिस्टेंस पे वैरी नहीं करेगा। और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह पे क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन। सिग्मा होता क्या है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। इन केस कभी अगर चार्ज और एरिया दिया होगा तो उसके टर्म्स में इसको लिख सकते हैं क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड एरिया। अगर क्वेश्चन में चार्ज एंड एरिया दिया होगा तो पूरा डिराइव कर लेना और लास्ट में पुट कर देना क्यू बाई ए मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, अपनी तरफ से सिग्मा डिफाइन करके चार्ज पर यूनिट एरिया डिफाइन करके डिराइव कर लेना और लास्ट में क्यू बाई ए पुट कर देना सिग्मा की जगह। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज या सिंपली प्लेन शीट ऑफ चार्ज, क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट आता है या फिर सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी स्कूल में शायद ये क्वेश्चन आया था ना कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, क्योंकि वो रिजल्ट आता है सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट आ रहा है ना, तो टू तो कोई डायमेंशनलेस नंबर है, टू तो डायमेंशनलेस नंबर है। अगर टू डायमेंशनलेस नंबर मतलब लेफ्ट का डायमेंशन और राइट का डायमेंशन मैच करना चाहिए, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन होता है, ये यहीं से आता है निकल कर। ठीक है, इसलिए वो क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था किसी एक स्कूल में टेस्ट में आया था, डीपीएस में मंडे टेस्ट में आया था शायद, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो वो एक फील्ड का डायमेंशन से मैच करेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैचेस विद डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देन तो मेरे क्लास का टाइम हो गया है, तो रिमेनिंग रिकॉर्डिंग मैं अगली क्लास में कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में क्या करेंगे अगली क्लास में, अच्छा चलो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि वेरिएशन ऑफ फील्ड विद डिस्टेंस इट डज नॉट वेरी, प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट वेरी विद डिस्टेंस। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे एक प्लेट के लिए सॉल्व किए ना, दो प्लेट्स के लिए सॉल्व करेंगे, दोनों प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार सिग्मा वन सिग्मा टू पुट करके करेंगे, अगली बार सिग्मा माइनस सिग्मा करके पुट करेंगे। इससे हम लोग एक कैपेसिटर के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे और कैपेसिटर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, इस वीक में मैं ट्राई करूंगा कि चार पांच क्लासेस रिकॉर्ड करके तुम्हें भेज दूं, ताकि एक ठीक ठाक से हमारा स्पीड थोड़ा सा पिकअप हो जाए और क्लासेस रिकॉर्डेड मोड में रहेंगे। तो मेरे पास टाइम थोड़ा सा ऐसा मिल रहा है ना कि लाइव क्लास में नहीं ले पा रहा हूँ, बट मैं रिकॉर्डिंग सेंड करने का मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा तुम्हें इस वीक, और ट्राई करूंगा कि ज़्यादा नंबर ऑफ क्लासेस हो जाए इस वीक में। ओके, तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।